वेलकम टू रूपा रंधे स्मार्ट कुकरी। आज बनाएंगे जिग जैग डबल फ्लेवर एगलेस केक घर पे ही, एंड इट्स वेरी स्पॉन्जी। बनाना शुरू करते हैं डबल फ्लेवर जिग जैग केक। उसके लिए सबसे पहले 1.5 कप चीनी और 1 कप रिफाइंड ऑयल, इसके साथ ही 1 कप मिल्क, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिल्क ज़्यादा लेना है, और 2 टीस्पून विनेगर। अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मटेरियल ब्लेंड हो चुका है, सो इस मटेरियल को एक बाउल में निकालेंगे और इसके अंदर मिक्स करेंगे 2 कटोरी मैदा और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इसे अच्छे से छानेंगे। केक बनाते टाइम उसके अंदर वनीला एसेंस डालते हैं, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह पे आप कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। मैं कस्टर्ड पाउडर ही ले रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। मटेरियल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम अपने मिक्सचर को 2 बराबर भागों में बांट लेंगे। अब एक पोर्शन में चॉकलेट पाउडर मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट पाउडर या कोकोआ पाउडर मार्केट में इजीली अवेलेबल है। एक मोल टाइप बर्तन लेके उसमें बटर पेपर लगा के उसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है, रिफाइंड ऑयल से। अगर बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो सिंपली भी आप किसी भी बर्तन में ऑयल लगा के काम चला सकते हो। अब 1 बाय 1 दोनों जो हमने मिक्सर रेडी किए हैं उन्हें इस मोल्ड में डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो वाइट पोर्शन रेडी किया था, एंड नाउ चॉकलेट फ्लेवर। सारा मटेरियल डाल दिया है, अब हम इसे हल्का सा डिज़ाइन करेंगे। सभी लोग बना रहे हैं, कोई बिस्किट के केक बना रहा है, मैंने कहा चलो हम भी बनाते हैं कुछ डिफरेंट। सो विद ब्यूटीफुल डिज़ाइन खाने का मज़ा ही आ जाएगा। अब एक बर्तन जिसे हमने प्री हीट कर लिया है ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स, इसे तेज़ आंच पे रखा है, खाली बर्तन है, उसमें स्टैंड रखा है, उसके अंदर केक को रख देंगे। अब केक को इस बर्तन के अंदर रखने के बाद 35 से 40 मिनट तक लो फ्लेम पे रख देंगे। अब हम इसे चेक करेंगे आफ्टर 40 मिनट्स। 40 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे केक रेडी हुआ है या नहीं। हमने टूथपिक डाल के देखा है और ये बिल्कुल साफ बाहर आई है। अगर ये रेडी नहीं हुआ होता तो इसमें थोड़ा सा केक ज़रूर लग जाता। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये रेडी है, अब हमें इसे निकालना है। अब इसे निकाल कर साइड पे रख लेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे, पूरी तरह ठंडा नहीं होने देना, एकदम से नहीं निकालना, थोड़ा सा ठंडा होगा तभी इसे पैन में से निकालेंगे। अब केक रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है, पूरी तरह से ठंडा नहीं है, हल्का सा गर्म है। इसे नाइफ़ की हेल्प से साइड से अलग कर लेंगे। केक अलग हो चुका है, अब इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बटर पेपर को केक से हटा लेंगे। वाओ, इट गिव्स यमी लुक। चलिए इट्स टाइम टू चेक अवर केक। वाओ, जिगजैग वेजिटेरियन एंड कलरफुल जिगजैग डबल फ्लेवर एगलेस बेस्ट केक। वाओ, सो बनाइए, जरूर ट्राई कीजिए, डेफिनेट ट्राई। और मेरे लिए लाइक
शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलोगे। थैंक यू।